अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कल महापौर और पार्षदों की शपथ ग्रहण के दौरान वंदे मातरम को लेकर हुए हंगामे के बाद आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उग्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने मेरठ कमिश्नरी का घेराव करते हुए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी का पुतला फूंका, साथ ही जमकर ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगाए। हिंदू जागरण मंच से अध्यक्ष सचिन सिरोही ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वंदे मातरम के अपमान के दौरान दोनों ओर से मारपिटाई की गई, लेकिन पुलिस ने सिर्फ बीजेपी पर ही कार्रवाई की है। गौरतलब है कि कल महापौर विपार्षदों की शपथ ग्रहण के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया था जब वंदे मातरम गाने के लिए AIMIM के 5-6 पार्षद खड़े नहीं हुए थे। इस पर आक्रोशित बीजेपी की ओर से मारपिटाई शुरू करने का आरोप है। फिर बाद में दोनों ओर से मारपिटाई की गई। सुनिए हिंदू जागरण मंच से सचिन सिरोही ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से क्या कहा। सिरोही मेरठ से। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष है AIMIM के ओवैसी जी, उनका पुतला फूंका है और वो इसलिए फूंका है कि कल यहाँ समारोह था नगर निगम का, महापौर और पार्षद जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके अंदर यहाँ पर थाना मेडिकल लगता है और ओवैसी जी के जो पार्षद हैं उन पार्षदों ने, 5-6 पार्षद थे, उन 5-6 पार्षदों ने, मतलब आप देखिए वंदे मातरम जब हमारे संविधान में है और सब लोग खड़े होकर उस गीत को गा रहे हैं, वो ना तो खड़े होकर गा रहे थे, ना वो बैठ के गा रहे थे, फोन में लग रहे थे, और उसके साथ साथ एक महिला ने वहाँ उन्हें टोका तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उसके बाद अगर जनता ने वहाँ किसी ने हाथापाई उनके साथ की तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करेगी। हाथापाई दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। पहली बात तो ये, मुकदमा दोनों की तरफ से पंजीकृत होना चाहिए। कल से अब तक पुलिस ने तहरीर पढ़ी है लोगों की, लेकिन अब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं करा। मेरा केवल निवेदन जो है माननीय मुख्यमंत्री से ये है कि एक तरफा कार्रवाई जो पुलिस ने करी है उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया गया। 1.5 घंटे तक वो लोग जो है वहीं खड़े रहे। भाई अगर उनके साथ मारपीट हुई थी तो उन्हें थाने ले जाते, थाने ले जाकर उनके एप्लीकेशन लिखते, मुकदमा पंजीकृत करते, लेकिन वहाँ उन्हें VIP ट्रीटमेंट फोर्स तैनात करी गई और वहाँ पे हर तरीके से उन्हें सहूलियत दी गई, उन्हें खड़ा रखा गया कि जैसे उन्होंने कितना बड़ा काम करा देश के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा ओवैसी जी की सह पर ये काम हुआ है पूरा। उनका महानगर अध्यक्ष वहाँ था, वो पार्षद पति थे जो बैठे हुए थे वो थे, और उन लोगों ने जो ये घटना करी है बहुत निंदनीय है भाई।